नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। अंबाला नगर निगम इन दिनों लोगों की परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियों के मुद्दे को लेकर अब अंबाला में कांग्रेस ने प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज कांग्रेसियों ने अंबाला नगर निगम में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं के समाधान की मांग की। अंबाला शहर नगर निगम इन दिनों लोगों की परेशानियों का कारण बन रहा है। दरअसल अपने कार्यों के लिए नगर निगम आने वाले लोग यहां बार बार चक्कर कटवाए जाने को लेकर परेशान हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर लोगों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई से पहले अप्लाई की गई सभी एनडीसी तकनीकी खामियों के चलते रद्द कर दी गई हैं और अब लोगों को ये सब दोबारा अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंबाला शहर नगर निगम में डिजिटल भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जो हमने यहाँ कमिश्नर साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी मुख्य मांग जो एनडीसी अप्लाई करने में लोगों को परेशानी आ रही है, उसको लेने के बाद डाटा इनका डिलीट हो गया, उसको लेके हमने आज ज्ञापन सौंपा है। ये एक तरह से डिजिटल भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ आप अगर देखेंगे पीछे, जहाँ एनडीसी अप्लाई करते हैं वहाँ इन्होंने नोटिस चिपका दिए हैं बड़े बड़े कि डाटा अपलोड तकनीकी खराबी होने की वजह से 9 जुलाई से पहले की एनडीसी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, कृपया दोबारा अप्लाई करें। तो अगर हम सीधे शब्दों में इसको समझाएं तो ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी हज़ारों लाखों रुपए अपनी प्रॉपर्टी के बकाया जो टैक्स था वो भर दिया है, वो इनके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है इस, और अभी भी उन प्रॉपर्टीज़ के तरफ बकाया राशि दिखाई जा रही है। तो जिससे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, एप्लीकेशन का जो शुल्क होता है वो दिया है, अप्लाई करने के लिए अगर हम किसी से अप्लाई कराते हैं 250-300 रुपये के लगभग लगते हैं और बार बार अप्लाई करते हैं, अगर इसमें आपको कोई इनकी ऑब्जेक्शन आ गई उसको दूर करने के लिए फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया से को लोगों ने जिन्होंने झेल लिया है उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जो गलत आईडी नंबर होने की वजह से दूसरे खाते में पैसे चले जाते हैं उसको भी वापसी का कोई प्रावधान ना है। और अगर हम आईडी की बात करें उसको जनरेट करने के लिए भी इनका जो टाइम पीरियड है एक एक महीना लगता है। एजेंट हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आप काम कराओगे तो आपको यहाँ पर सारे काम हो जाएंगे, एनडीसीज वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्शंस लगती रहेंगी। तो इस भ्रष्टाचार को, इस सिस्टम को सरलीकरण करने के लिए, भ्रष्टाचार हटाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। हमारे जो पार्टी के पार्षद हैं, ईशु जी हैं और मिथुन जी हैं, ये लोग बार बार इस मुद्दे को यहाँ पे हाउस में भी, मीटिंग में भी उठाएंगे। आज हमें कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पे देखेंगे और उसको जो भी हमारी मांगे हैं उन पर विचार करके इनको दूर किया जाएगा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अंबाला नगर निगम में कांग्रेस डिजिटल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और इसके साथ साथ लोगों की परेशानियों के मुद्दे को अधिकारियों के सामने उजागर कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के ज्ञापन पर क्या लोगों को राहत मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल खबरों से जुड़ी अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।